आज से हम संस्कृत व्याकरण के अध्ययन का प्रारंभ करेंगे और ये संस्कृत व्याकरण जो है वो आधारित रहेगा, अभी प्रारंभिक काल है इसलिए लघु सिद्धांत को हम भी व्याकरण, लेकिन किसी भी रचना के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा कुछ उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। तो लघु सिद्धांत के बारे में नहीं, थोड़ी सी संक्षिप्त बात करूंगा आपके साथ। पहले मैं संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं नव्य व्याकरण का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए ये मेरा प्रिय विषय है। अभी तक इसको स्पर्श इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक बारीकियां हैं उनका पता नहीं था, अभी भी आज भी कुछ पता नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि कल के वीडियो से उन कुछ नई चीज़ों को हम ऐड कर पाएं। तो व्याकरण की अगर बात करें और उसमें भी अगर संस्कृत व्याकरण की हम बात करें तो ये विश्व का सबसे श्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। मतलब ये निर्विवाद सत्य है कि संस्कृत व्याकरण जैसा विश्व में कभी किसी भी भाषा का और कोई व्याकरण नहीं लिखा गया, और इसका स्वीकार बड़े खुले मन से पाश्चात्य विद्वानों को भी करना पड़ा। इस चीज को आप मानें, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में मुनि त्रय का बड़ा महत्व है, तो थोड़ा सा उनके बारे में जानें। तो सबसे पहले अगर पाणिनि की बात करें तो महर्षि पाणिनि के नाम से ये जाने जाते हैं, जैसा इनके बारे में उल्लेख पाया जाता है, क्योंकि इतिहास ये संस्कृत साहित्य की सबसे कमजोर कड़ी है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इनका समय कब का है, क्या है, बहुत स्पष्ट कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके गुरु का नाम वर्ष था ऐसा उल्लेख पाया जाता है। इनकी माता का नाम विदाक्षी पाया जाता है, और ये शायद शालातुर ऐसा एक स्थान का नाम पाया जाता है जो वर्तमान में लाहौर के नाम से कहाँ उपस्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में है ऐसा हम कह सकते हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा, मात्र 8 अध्याय हैं, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 4-4 पाद हैं जैसा कि हम जानते हैं, उसका पूरा विवेचन भी हम करेंगे। और उस अगर हम सामान्य रूप से देखें तो बहुत छोटा ग्रंथ है, सामान्य रूप से देखें तो अष्टाध्यायी बहुत छोटा ग्रंथ है, क्योंकि इन्होंने सूत्रात्मक शैली ली है इसलिए वो छोटा है। जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि आचार्य पाणिनि ने वेद से लेके लोक से लेके और जिसको हम लौकिक भाषा कहें, व्यवहार की भाषा कहें, उसको लेकर के और कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। आप अगर ईमानदारी से पूरा अध्ययन करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुहावरे और लोकोक्तियों का भी समावेश उन्होंने अपने इस अष्टाध्याय में किया हुआ है। तो इस प्रकार का कार्य कहीं भी विश्व की किसी व्याकरण में नहीं पाया। ये कार्य जो है सिर्फ पाणिनि ही कर पाए हैं, मैं ऐसा मानता हूं। आप किसी भी भाषा का व्याकरण देख लीजिए, ये तो मैंने सामान्य, क्योंकि उनकी विद्वत्ता के बारे में मैं कुछ कहूं तो ये तो किसी लायक ही नहीं हूं, लेकिन मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी इसके बारे में प्रशंसा की जाए, जितनी इसके बारे में चर्चा की जाए, जो भी इसके बारे में सोचा जाए, वो कहीं ना कहीं हमारी सोच सीमित ही रहेगी, हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये एक इसका वैशिष्ट है कि कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। इन्होंने अपने इस अष्टाध्यायी में सभी चीजों को ले लिया, लेकिन चूंकि समय की बात थोड़ी करनी आवश्यक है इसलिए इतना कहूंगा कि इनका समय निश्चित नहीं है, अभी विद्वान निर्धारित नहीं कर पाए। अगर युधिष्ठिर मीमांसक जी की बात कहें तो वो तो कहते हैं कि ईसवी सन पूर्व 2200 वर्ष पहले हुए हैं ये, लेकिन अधिकांश जो लोग मानते हैं वो ईसवी सन पूर्व 500 से 700 वर्ष के बीच का समय का मानते हैं।
यानी आज से हम गिने तो ईस्वी सन 2020 चल रहा है, तो उससे 500 से 700 वर्ष पहले ये हुए हैं। ये आप एक सर्व स्वीकृत या सभी लोग जिसको मानते हैं, इस आधार पे आप ये समय इनका मान सकते हैं। जो लोग इस चीज का स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो लोग इनको ईस्वी सन पूर्व 450 से 500 वर्ष के बीच मानते हैं। लेकिन ये निर्विवाद है कि ईस्वी सन से पहले 500 वर्ष का जो समय है वो इनका समय लोग बात स्वीकारते हैं, यानी ईस्वी सन पूर्व 5वीं शताब्दी कम से कम, और उससे पहले 7वीं शताब्दी तक अधिकांश लोग इनका स्वीकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध के बाद हुए हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं सिकंदर का जो आक्रमण हुआ उसके बाद हुए हैं, लेकिन ये सारी बातें हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि यवन शब्द का प्रयोग किया तो उन्होंने कहा ये तो सिकंदर की वजह से आया। अरे भैया, यवन अगर आप महाभारत में मेरे वीडियो देखिए, आप महाभारत सभा पर्व में जब चारों भाई दिग्विजय के लिए निकले हैं तो नकुल सहदेव इसी प्रकार से दिग्विजय के लिए गए हैं, उन्होंने वहां पे किन किन राजाओं को पराजित किया इसका उल्लेख पाया जाता है। भागवत में उल्लेख पाया जाता है म्लेच्छ का, क्या नाम था उसका, काल यवन, उसके नाम में ही काल यवन शब्द है। तो खैर, भागवत का समय तो बाद का मानते हैं, लेकिन महाभारत में भी इसका उल्लेख है। तो महाभारत तो ईस्वी सन पूर्व 500 वर्ष पहले की रचना मानी ही जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमसे कोई पूछे कि पाणिनि का समय क्या है, तो हम निर्विवाद रूप से ये कहना चाहते हैं कि पाणिनि का समय आप 500 से 700 के बीच मान सकते हैं, 500 के बाद कहीं नहीं मान सकते हैं। ईस्वी सन पूर्व 500 यानी आज से कम 2600-2700 वर्ष पहले इनको मानिए, इसके बाद का आप इनको स्वीकार करें तो ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। क्यों स्वीकार्य नहीं है उसकी भी थोड़ी बात करें। आप रामायण को देखते हैं, रामायण में जो भाषा है वो संस्कृत व्याकरण में आबद्ध जो भाषा है कुछ उसी प्रकार की भाषा है। ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही वैदिक भाषा का प्रयोग हुआ, ऐसा नहीं है। वहां पे महाभारतों में पुराण वगैरह में जो भाषा पाई जाती है वो भी संस्कृत भाषा है, वो भी वैदिक भाषा नहीं है। हाँ, कुछ प्रयोग वैदिक मिल जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन वास्तविकता यह है कि संस्कृत, क्योंकि इसका नाम ही संस्कृत हो गया इसलिए इसके बारे में और कुछ चर्चा, यानी किसी भाषा को आपने संस्कारित किया इसीलिए वो संस्कृत हुई और इसीलिए इसका नाम संस्कृत पड़ा। बाकी इससे पहले इसके अन्य बहुत सारे नाम आप देख सकते हैं, स्वयं पाणिनि ने भी कई नामों का उल्लेख किया है, उन्होंने प्रादेशिक भाषाओं के वैशिष्ट भी यहाँ पे दर्शाए हैं। तो उन सब चीज़ों को भी, अब चूंकि हम पाणिनि व्याकरण तो नहीं पढ़ रहे हैं, लक्ष्य सिद्धांत को हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कोई सूत्र आएगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि उन्होंने अपनी इस अष्टाध्यायी में उन सभी चीज़ों का समावेश कर दिया जो उनके समय तक महत्वपूर्ण उनको लगी या जो भी उनके ध्यान पे। अब कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, लेकिन ये निश्चित है कि उसके कितने भी कार्य के प्रयास हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रह जाए या ना रह जाए, तो इसकी लगभग आप ये मान के चलिए कि 300 वर्ष बाद एक और बड़े ऋषि हुए, कात्यायन के नाम से जुटाने गए, वर रुचि भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने जो कुछ, क्योंकि एक भाषा का व्याकरण रचित हुआ और उसके बाद 300-400 साल अगर उसके चले गए तो कुछ ना कुछ उसमें नए शब्दों की आवश्यकता होती है, नई चीजों की आवश्यकता होती है, और उन चीजों पे ध्यान देकर के कात्यायन ने वार्तिक लिखे, इसलिए उनको वाक्यकार भी कहा जाता है। और आप सब जानते हैं, आपने संस्कृत व्याकरण पढ़ा है, तो ये दूसरे मुनि हुए जिन्होंने मुनित्रय में से, पाणिनि पहले हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, जिन्होंने सूत्रों की रचना की, और इसके बाद कात्यायन हुए जो एक समय, एक अंतराल गुजरा पाणिनि से लेके कात्यायन तक के बीच में। इस समय के दरमियान जो भी सामाजिक चेंज या जो भी कुछ नई नई चीजें आई या जो नई बातें, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप अपने जीवन काल में देख सकते हैं
कि आपका जन्म हुआ, अभी आप लोगों में से अधिकांश की आयु 20 से 30 के बीच है, लेकिन आप भी ये महसूस कर सकते हैं कि इन 20 से 30 वर्ष में आपके आसपास की दुनिया में कितने परिवर्तन आए। मोबाइल किस कंडीशन में था, आज कैसे चल रहा है, डिजिटल विश्व आज कैसा हो गया है, पहले लोग किस प्रकार से फिल्में देखते थे, अब किस प्रकार से फिल्में देखते हैं, पहले फिल्में बनती थी उनमें क्या होता था, अब क्या होता है। तो मतलब इतनी जल्दी विश्व बदलता है, और ऐसा नहीं कि आज आपके टाइम में बड़ी जल्दी बदल रहा है और पहले ऐसे जल्दी नहीं बदला करता था, नहीं, परिवर्तन हमेशा ही, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। और जब परिवर्तन होते हैं तो व्याकरण में वो दृष्टिगोचर होना चाहिए। अगर नहीं दृष्टिगोचर होगा तो व्याकरण पीछे रह जाएगा, व्याकरण पीछे रह जाएगा तो स्थिति क्या होगी कि वो भाषा जो है वो समाप्त तो हो जाएगी। इसलिए जब संपूर्ण रूप से ये भाषा प्रयोग में थी तो उस समय कात्यायन ने इसमें सूत्रों के साथ के लिए वार्तिकों का क्या उपयोग है यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और इस आधार पर यह समझ सकते हैं कि कई जगह सूत्रों को लेकर के जो बातें रह गई या जो कुछ चीजें ऐसी लग गई, वार्तिककार ने उनको सुधारा है, उनमें परिवर्तन किया है कि नहीं ये ऐसा ऐसा हो सकता है। अक्षादोहिन्या उपसंख्यानम वगैरह सूत्रों के साथ वहां पे कई वार्तिक दिए हुए हैं, हम पढ़ेंगे तब उनकी चर्चा आगे करेंगे। अब समय तो रुकता नहीं है, वो तो अपने हिसाब से चलता चला जाता है, और जब समय आगे बढ़ता है तो बहुत सारी चीजें पीछे छूटती हैं, लेकिन भाषा हमेशा आगे चलती रहती है। भाषा अगर पीछे छूट जाएगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी, और भाषा जब आगे चलती है तो साहित्य में उसके उपयोग के लिए कुछ चीज़ों की और जरूरत खड़ी होती है, और इन जिन चीज़ों की जरूरत खड़ी होती है उसी का एक भाग है महर्षि पतंजलि का महाभाष्य। सूत्रात्मक जो शैली थी वो बड़ी ही संक्षिप्त शैली, लेकिन उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों के गले नहीं उतर रही, क्योंकि समय गुजर गया है। अगर आप पाणिनि का समय मानते हैं कि ईस्वी पूर्व 700 वर्ष पहले वो हुए हैं, तो पतंजलि का समय आता है ईस्वी पूर्व 150 वर्ष पहले का, तो इसके बीच में 500 वर्ष तो कम से कम चले गए हैं, और 500 वर्ष का समय एक बड़ा समय होता है। आप देखें तो आज से 500 वर्ष पहले हिंदी क्या थी, जिस हिंदी का आप प्रयोग करते हैं, आज उस हिंदी का क्या स्वरूप है इन 500 वर्ष में। कभी खड़ी बोली के साहित्य की बड़ी चर्चा होती थी, हम बात कर रहे थे कि अगर हिंदी को हम देखें तो 500 वर्ष पहले तुलसीदास हुए, अब तुलसीदास की रामायण को आप पढ़ें और आज की हिंदी पढ़ें, तो आज तो लोगों को रामायण की वो भाषा जो समझते हैं वो समझते हैं, लेकिन जो आज शहर के लोग हैं उनको तो लगता है कि तो पूरी भाषा जो है वो हिंदी नहीं है, वास्तव में वो अवधी है, लेकिन उस समय वही हिंदी के रूप में प्रयुक्त होती थी। और आप उनकी भाषा में अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो देखिए शुरुआत में श्लोक किस प्रकार से दिए गए हैं, तो जो श्लोक दिए गए हैं ये तुलसीदास के अपने श्लोक हैं, उनके रचित हैं, बीच में राम रमा रमनम समनम भवताप भया कुल पाही जन्म, ये सब कुछ बहुत सारी स्तुतियाँ ऐसी जो उन्होंने संस्कृत में प्रस्तुत की हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं कि जो हिंदी का प्रयोग करते थे वो भी संस्कृत से सज उनकी हिंदी हुआ करती थी, हम इस तरीके से इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन आज तो संस्कृत का शब्द अगर आप हिंदी भाषा के बीच में ले आए तो मोबाइल भी आपका गड़बड़ कर जाता है कि समझ में नहीं आती उसके में, गूगल को भी समझ में नहीं आती, लोगों को समझ में नहीं आती है, तो वो कहते कि भैया जरा हिंदी बोल लो, तो ये हिंदी तो बोल रहे हैं हम, कहाँ से इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ समय के साथ, तो पाणिनि से लेकर के पतंजलि तक 500 वर्ष का एक बहुत बड़ा समय चला गया है। इसलिए लोगों की समझ में अगर वो सूत्र उसी रूप में नहीं आ रहे हैं तो पतंजलि ने उनको सरल बनाने के लिए महाभाष्य किया। और यहां आकर के हमारा जो एक व्याकरण है जिसको हम आज संस्कृत व्याकरण कहते हैं वो पूर्ण रूप प्राप्त करता है। आप ये समझिएगा ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, पाणिनि के समय से शुरू हुई, ईस्वी पूर्व 700 वर्ष पहले शुरू हुई, और ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में जाके, बल्कि द्वितीय शताब्दी में जाके 150 वर्ष पहले का समय अगर हम मानते हैं तो वहां आकर के ये मुनित्रय द्वारा रचित व्याकरण जो है वो पूर्ण होता है। अब जैसा कि लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो भी हमें मालूम पड़ जाएगा कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, ये माहेश्वर प्रदत्त सूत्र हैं,
तो पाणिनि को ये व्याकरण कहां से प्राप्त हुआ? माहेश्वर से प्राप्त हुआ। लेकिन माहेश्वर से पाणिनि पहले व्यक्ति नहीं थे कि जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है। शिव से उनको प्राप्त हुआ, नंदिकेश्वर को प्राप्त हुआ है, इंद्र को प्राप्त हुआ है। तो पाणिनि के व्याकरण से पहले ऐन्द्र व्याकरण और कातंत्र व्याकरण जैसे बहुत सारे व्याकरण इससे पहले भी थे। लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है तो फिर सारे दीपक अपने आप उनको जलाओ मत जलाओ, बुझाओ मत बुझाओ, लेकिन वो सब अपने आप शांत हो जाते हैं, ऐसा आपको प्रतीत होता है। ऐसे ये सारे व्याकरण पाणिनि व्याकरण के बाद अस्त प्राय हो गए और आज कहीं पढ़ाए जाते हैं तो व्याकरण के एक भाग के रूप में, कि कभी व्याकरण ऐसे भी हुआ करता था, इस रूप में भले वो पढ़ाए जाएं। इसके अतिरिक्त आप इन व्याकरण ग्रंथों को कहीं और अधिक उपयोगिता के रूप में नहीं देखते। इसके बाद भी व्याकरण के ग्रंथ लिखे गए। एक हरिनामामृत व्याकरण है जो रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। ये जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी दो भाई थे, तो उन्होंने जिन्होंने हरिभक्त रसामृत सिंधु, शायद आपने नाम सुना हो, काव्य शास्त्री ग्रंथ वो लिखा है, उनकी रचना है। तो इसमें सारी संज्ञाएं जो हैं वो हरि नामामृत जो दिया है ना, कि हरि के नाम से संबंधित है। देखिए शंकराचार्य हुए और उन्होंने कहा कि प्राप्ते सन्निहिते काले नैनम रक्षति जुक्रिय करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंद। यानी एक समय ऐसा आया कि व्याकरण से लोग डरने लगे और लोग क्या करने लगे, उन्होंने कहा साहित्य पढ़ो भैया, भगवान का भजन करो, जब मरने चलोगे तो ये व्याकरण तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। लेकिन जो व्याकरण के प्रेमी लोग हैं उनने इस चीज का पीछा नहीं छोड़ा, तो उन्होंने हरिनामामृत व्याकरण बनाया कि भैया अगर आप इस व्याकरण को पढ़ोगे तो इससे आपको हरि नाम जो है आपका भजन भी हो जाएगा, व्याकरण भी हो जाएगा। लेकिन ये सारे प्रयास जितने रहे वो सारे प्रयास अपर्याप्त रहे, मैं ये कहूंगा, क्योंकि पाणिनि व्याकरण के सामने जो भी कार्य किए गए वो सूर्य को दीपक दिखाने के संबंध। मैंने कहा कि समय आगे बढ़ता है, भाषा को आगे चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलेगी तो पीछे छूट जाएगी, और संस्कृत भाषा धीरे धीरे साहित्यिक भाषा प्रचलन में, जैसे कि हमने देखा कि तुलसीदास की अवधि आ गई और बहुत सारे जो प्रादेशिक भाषाएं उन सबका उदय हुआ, और ऐसी स्थिति में संस्कृत व्याकरण के अध्ययन की एक नई परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत व्याकरण जो सूत्रात्मक पद्धति में था, वार्तिक भी सूत्र ही है, वो भी सूत्रात्मक पद्धति में, और महाभाष्य जो उसकी है, लेकिन ये इससे व्याकरण लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए एक प्रक्रिया नई, जिसको प्रक्रिया कौमदी कहा जाए या प्रक्रिया सिद्धांत कहा जाए, वो एक नया व्याकरण का स्वरूप उदय हुआ, और इसका श्रेय सर्वाधिक जाता है भट्टोजी दीक्षित जी को, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी नाम की रचना लिखी। आप अच्छी तरीके से रचना से परिचित हैं, और भट्टोजी दीक्षित ने तो व्याकरण पे बड़ा उनका आधिपत्य था, वो तो इसमें ओतप्रोत थे, या ये कहिए कि पूरी तरीके से डूबे हुए थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, मैं जब पढ़ता था तो मुझे याद है कि कुछ मेरे ख्याल से 30 से भी अधिक, 30-31 रचनाएं उनके नाम की पाई जाती हैं भट्टोजी दीक्षित के नाम पे। और उन्होंने अष्टाध्यायी को लेकर के जो संस्कृत व्याकरण का, मुझे ग्रंथ का नाम नहीं आ रहा, याद आ रहा है, एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है। लेकिन जिससे उनको सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई उस ग्रंथ से आप परिचित हैं, और उसका नाम क्या है? सिद्धांत कौन। और ये संस्कृत व्याकरण में एक ऐसा परिवर्तन था कि लोग अष्टाध्यायी को भूल गए, लोग और सारे ग्रंथों को भूल गए, संस्कृत व्याकरण पढ़ना यानी सिद्धांत कौमुदी पढ़ना। लेकिन सिद्धांत कौमुदी भी फिर धीरे धीरे बड़ी लगने लगी, क्योंकि उसमें लगभग 3900 या 3600 के आसपास, 4000 के अंदर अंदर श्लोक थे उसमें। तो उनके एक शिष्य हुए वरद राजाचार्य, उन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की और लघु सिद्धांत कौमुदी की।
यानी सिद्धांत कौमुदी, तो है उसके आगे लघु शब्द लग गया और इसमें कुछ 1200-1400 सूत्रों का उन्होंने समावेश किया। लघु सिद्धांत कौमुदी कुछ इतने ही सूत्र हैं और एक ये उन्होंने ऐसा प्रयास किया जैसा कि इसकी मंगलाचरण में वो स्वयं कहते हैं कि नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम करोम्याम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत। यानी अगर आपको पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करना है, भाई एक अथाग समुद्र है, आप ये समझ लीजिए, ये व्याकरण ये हर किसी के बस की चीज नहीं है या हर किसी के समझने की चीज नहीं है, ये एक अथाग समुद्र है और अगर आपको इस समुद्र में गोते लगाना है, इस समुद्र में अवगाहन करना है तो सीधे कूद जाएं तो मुश्किल हो सकती है, तो भैया धीरे धीरे उसके अंदर आप जा पाए, इसके लिए उन्होंने इस लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। तो आज से हम उसी, क्योंकि हमें व्याकरण में प्रवेश चाहिए, इसलिए हम इसी रचना से इस अपने संस्कृत व्याकरण के अध्ययन का प्रारंभ करेंगे। जो ग्रुप में शेयर की गई है पुस्तक वो संभवतः यही है जो मैंने यहाँ पे वहीं से क्लिक किया है। तो सबसे पहले जो मुनित्रे की मैंने बात की उनको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि एनाक्षर समामनाय अधिगम्य महेश्वरा, शिव से जिनको अच्छी तरीके से इन अक्षरों की प्राप्ति हुई, आयोन रिलिक वगैरह की बात है, कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनीय नमः, और उसमें से जिन्होंने इस व्याकरण की संरचना की है उन पाणिनीय को मैं नमन करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ। येन धौतागिरि ही पुंसा विमलै शब्दवारि भी तमश्चा ज्ञानजम भिन्नम तस्मै पाणिनीय, उन पाणिनी को नमस्कार और क्यों करना चाहिए कि जिन्होंने पुंसाम यानी लोगों की गिरा यानी वाणी को विमलई शब्द वारी यानी शुद्ध शब्द रूपी जल से धो दिया है। अगर व्याकरण नहीं हो तो हमारा व्यावहारिक भाषा किस प्रकार की हो सकती है? जिन बच्चों को व्याकरण का ज्ञान नहीं होता वो कैसे बोलते हैं और क्या होता है? स्वजनों स्वजनों मा भूत, जो हम जानते हैं कि स्वजन कहीं स्वजन यानी कुत्ते लोग ना हो जाएं, जिस प्रकार से अवश्य ही व्याकरण पढ़ना चाहिए वो सब आपको पता है, इसलिए उस सब की चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो जिन्होंने शब्द रूपी जल से लोगों की वाणी को धोकर के स्वच्छ बनाया, ऐसे उन महर्षि पाणिनि को तमस्या अज्ञान जम भिन्न, और अज्ञान रूपी अंधकार को जिन्होंने भिन्न किया यानी छिन्न भिन्न कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उन पाणिनी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो दो श्लोक ये पाणिनी से संबंधित थे। फिर कहते हैं वाक्य का आरंभ वर रुचि, अभी मैंने कात्यायन के परिचय में कहा था कि उनको वर रुचि भी नाम है उनका, और उनको वार्तिककार कहा जाता, वाक्यकार भी कहा जाता, ये उनकी वंदना हो रही है कि वाक्यकारम वर रुचिम भाष्यकारम पतंजलि, और भाष्यकार पतंजलि हैं, पाणिनिम सूत्रकार और पाणिनी सूत्र के रचनाकार हैं। तो यहाँ इन तीनों ने क्या क्या लिखा है, सामान्य विद्यार्थी भी हो तो उसको इस चीज का ख्याल आ जाए, इसके लिए यहाँ पे इस चीज को प्रस्तुत किया है कि वाक्य रचनाकार कौन है, तुमने कहा वर रुचि है, भाष्यकार कौन है, तुमने कहा पतंजलि है, और पाणिनी जो है वो सूत्रकार है। प्रणतोष्मि मुनित्रय, इस प्रकार से मैं इन मुनित्रय को प्रणाम करता हूं। तो ये मुनित्रय की एक प्रार्थना हो गई। इसके बाद जो वरद राजाचार्य ने अपना मंगलाचरण किया है उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा, शुद्ध, आप सरस्वती देवी का अगर चित्र देखें तो क्या ऐसा एकदम सफेद साड़ी होगी, सफेद कमल पे सफेद अंश, यानी सब कुछ सफेद होता है, ऐसा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परणा परमां आद्याम जगत व्यापी, जो 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 भी आपने या कुंदेन्दु तुषार हार धबला
या कुंद इंदु तुषार हार तबला, तो इन सब में उसी चीज का उल्लेख है। तो उसी को शुद्धाम और गुण्याम, ऐसी कौन है सरस्वती देवी है, उनको नत्वा नमन करके पाणिनीय प्रवेश आए, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश पाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी की करोम्य हम रचना कर रहा हूँ, ये उन्होंने प्रार्थना की है। और फिर शुरू हो जाता है जिसको हमें पढ़ना है, जिसका हमें अध्ययन करना है, क्या कि संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, हम एक इस संदर्भ का व्याख्यान, व्याकरण के संदर्भ का हम ले चुके हैं, उसमें कुछ इसकी चर्चा की थी, लेकिन वो एक अलग प्रक्रिया थी और अलग ग्रंथ था जिसके संदर्भ में हम इसको पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ जब हम संस्कृत व्याकरण के रूप में इसको पढ़ रहे हैं तो फिर से इसको देखेंगे कि आई उण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच है वरट लण यम गण नम झभय घड दस जब गड दस खफ छठत चट तव कपय सख सर हल। अब देखिए ये कहा गया है कि ये शिव जी के डमरू से प्रकट हुए हैं, तो अगर आप शिव के तांडव के लय के साथ भी इसको गाना चाहें तो आप इसको गा सकते हैं, बड़े ही सुंदर सूत्र हैं। और जो भी विद्यार्थी आज इस हमारे व्याख्यान से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है, कुछ कीजिए जीवन में मत कीजिए, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण आपको कंठस्थ होना चाहिए। और इसको कंठस्थ करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं होती। आप कहिए तो आपके सामने अभी पाठ करते हैं, 3 से 4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। नित्य प्रति इतना समय अगर आप इसको दे दें, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे चलेगा। आप और कोई दुर्गा चालीसा पढ़ते हो नहीं पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन अगर आप व्याकरण पढ़ना चाहते हैं और अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो नहीं, ये आप समझ के चलिए। ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि व्याकरण के लिए मैं नव्य व्याकरण का विद्यार्थी रहा हूँ, ये कहा जाता है कि 9 दिन में सब कुछ नया हो जाता है, तो यहाँ तो कंठस्थ हो तो ही काम का है। तो कैसे आपको इसका पाठ करना चाहिए, मैं आपको एक छोटी सी झलक उसकी दिखा रहा हूँ। या नत्वा सरस्वती इम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्याम पाणिनीय प्रवेशाए लघु सिद्धांत कौमुदी आई उण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच है वरट लण यम गण नम झभय घड दस जब घड दस खप चटत चट तव कपय सख सरहल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि एषा मन्त्या इता लण सूत्रे अकारस्य अकारादि सुकार उच्चारणार्थम हलन्त्यम उपदेश अंत्यम हलित्यात् उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रे सुपदम दृष्टम सूत्रांत अनुवर्तनीयम सर्वत्र अदर्शनम लोपात प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञा स्यात् तस्य लोपात् तस्येतु लोपात् स्यात्। तो इस प्रकार से एक बार आप शुरू हो जाएं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगते हैं, आप पूरे संज्ञा प्रकरण का पाठ कर सकते हैं, यही इसकी पद्धति है। और जब आप इस प्रकार से इसको पाठ करते हैं तो कुछ दिन तो आपको पुस्तक उठानी पड़ेगी जब तक आपको याद नहीं है, फिर तो आप कभी भी, मैं आपको बताऊं कि हमारे समय में जब हम विद्यार्थी थे तो हमें जाना होता था दीर्घ शंका के लिए, तो लोटा हाथ में लेकर के हम जाते थे, तो अगर हम जा रहे हैं तो हम उस समय कोई फिल्मी गीत नहीं गाते थे, यही कि नहीं हमें इसको पूरा पाठ करना है, तो हम लोटा लेके अगर चल के जा रहे हैं तो भी यही पाठ चलता जा रहा। हम तो अभी भी अपने विद्यार्थियों को जिनको पढ़ाते हैं उनसे कहते हैं कि अगर आपको टॉयलेट वगैरह में टाइम लगता है तो एक कागज लिख के चिपका दीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं, आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उसका पाठ होना चाहिए। आप कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इसका इतना महत्व है। हाँ, व्याकरण के पाठ के लिए प्रातः काल की वेला शुभ मानी गई है, खैर किसी भी अध्ययन के लिए ये वेला शुभ मानी गई है कि ब्राह्म मुहूर्त में आप उसको पढ़िए तो इसका लाभ विशेष मिलता है, तो वो अगर हम करें तो ज्यादा अच्छी बात है। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमने आपको एक पद्धति बताई, आप कहीं तो पूरा संज्ञा प्रकरण इसी प्रकार से आपके सम्मुख, आप घड़ी देख लीजिए कि कितना समय लगता है, वो भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा समय 4 मिनट से ज्यादा नहीं।